Good morning, all of you. I hope you all will be fine. Students, आज हम English grammar में topics story writing and paragraph writing करेंगे. I hope you will listen carefully. And students, आप इन दोनों topics को अपनी fair notebook में write down भी करोगे और साथ साथ आप इसकी learning भी करेंगे. So let's start our topic, story writing. Story क्या है? A mouse and a frog. Mouse means चूहा and frog means मेंढक. एक मेंढक और एक चूहे की कहानी. A mouse and a frog were friends. एक चूहा और मेंढक दोनों दोस्त थे. Every morning, हर सुबह, the frog would hop out of his pond. Hop होता है उछलना, pond तालाब, and go to visit his friend who lived in a hall. Hall होता है छेद. In the side of a tree. हर सुबह frog क्या करता, वो hopping करता हुआ, उछलता कूदता हुआ अपने तालाब से बाहर निकल कर अपने friend के पास जाता, जो पास में tree के नीचे, एक पेड़ के नीचे, एक hole के अंदर रहता था. And would return home at noon. और दोपहर को अपने घर वापस आ जाता. Gradually, धीरे धीरे, the frog मेंढक started to feel insulted. Insulted मतलब बेइज्जती. धीरे धीरे frog को, मेंढक को क्या feel होने लगा, अपनी insult लगने लगी. Because क्योंकि he visited the mouse every day. कि वो daily उस चूहे के पास मिलने जाता. But the mouse didn't come to visit him. लेकिन चूहा उससे मिलने कभी भी नहीं आता. One day, एक दिन, while taking leave of the mouse, जब वो माउस को छोड़कर आ रहा था, the frog, मेंढक ने क्या कहा, tied one end of a string, string होता है डोरी, धागा, around his own leg. उसने क्या किया, एक धागे का एक हिस्सा अपनी लेग के साथ बांध दिया, and tied the other end, और उसका दूसरा हिस्सा to the mouse tail. Tail क्या होता है, पूंछ. उसने चूहे की पूंछ के साथ बांध दिया. And hopped away, और उछलने लगा. Dragging the hapless mouse. Dragging होता है खींचना, helpless, उदास, mouse behind him. कि उसने क्या किया, उस रस्सी को खींचा और जो माउस, चूहा था, वो भी उसके पीछे पीछे बाहर आ गया. The frog, मेंढक ने क्या किया, dived deep into the pond. वो तालाब के अंदर उसने jump किया. The mouse tried to free himself. चूहे ने अपने आप को free करने की कोशिश की, क्योंकि चूहा भी उसी रस्सी के आखिरी हिस्से से बंधा हुआ था. But could not, लेकिन कर नहीं पाया. And soon drowned. Drowned होता है डूबना, और जल्दी ही वो डूबने लगा. His swollen body, उसकी घायल body, floated होता है बहना, to the top of the pond. मतलब वो जब अपने आप को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं कर पाया, तो उसकी जो body थी, जब वो उसकी मतलब body बिल्कुल ही उसके अंदर कोई movement नहीं हुई, तो वो तैर कर तालाब के ऊपर आ गया. After then, उसके बाद, a hawk. Hawk क्या होता है, बाज. Saw the body of the mouse. उसने क्या देखा, माउस की बॉडी देखी, फ्लोटिंग, जो तैर रही थी ऑन द वाटर, पानी के ऊपर. ऑन सीइंग द बॉडी, उसकी बॉडी को देखते हुए, ही स्वूप्ड डाउन. स्वूप मतलब झपटा मारना. उसने क्या किया, पानी के अंदर झपटा लगाया. एंड ग्रैब्ड, ग्रैब्ड होता है खींचना, द माउस. उसने माउस को बाहर खींचा. एंड फ्लू अवे, और उड़ गया. विद द फ्रॉग डेंगलिंग फ्रॉम इट्स लेग. डेंगलिंग क्या होता है, लटकना. क्यों, क्योंकि जैसे ही उसने उस माउस को पकड़ा, तो उसके डोरी के साथ फ्रॉग की लेग भी बंधी हुई थी, तो इसके पीछे पीछे फ्रॉग भी उसके साथ ऊपर आ गया. द फ्रॉग देन सैडली ट्राई टू फ्री हिमसेल्फ. मेंढक ने अपने आप को फ्री करने की कोशिश की, बट कुड नॉट, नहीं, लेकिन नहीं कर पाया. दस, इस प्रकार, एट वन स्वूप ही हैड, ऐसे इस प्रकार क्या हुआ, एक ही झपटे से, ही हैड कॉट बोथ टू ईट फॉर हिज डिनर. तो बाज ने क्या किया, अपने डिनर में, मतलब दोनों को ही, माउस और फ्रॉग दोनों को ही खा लिया. तो ये थी बेटा स्टोरी अ माउस एंड अ फ्रॉग की.
आपको इससे क्या शिक्षा मिली, क्या लेसन मिला, इसको देख के क्या आपको पता चला? इससे हमें ये लेसन मिलता है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद भी उस गड्ढे में गिर जाता है। देखो फ्रॉग ने क्या किया, माउस के साथ एक प्लान किया और उसने उसको उस प्लान में अपने जाल में फंसा दिया, और साथ साथ लास्ट में क्या हुआ, मेंढक भी उस जाल में खुद फंस गया और मारा गया। तो इससे हमें शिक्षा क्या मिलती है कि हमें कभी दूसरों के बारे में बुरा, दूसरों के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद हमारे साथ भी वैसा ही बुरा होता है। नेक्स्ट है बेटा पैराग्राफ राइटिंग। माय हॉबी, हॉबी मींस शौक, आपकी हॉबी के बारे में बताना है, उसके ऊपर एक पैराग्राफ राइट करना है। माय फेवरेट हॉबी इज़ प्लेइंग फुटबॉल इन स्पेयर टाइम। स्पेयर होता है फ्री, कि खाली समय में मेरा शौक क्या है, मेरी हॉबी क्या है, फुटबॉल खेलना। आफ्टर कंप्लीटिंग माय होमवर्क एट होम, मैं घर पर अपना होमवर्क ख़त्म करने के बाद, आई जनरली स्पेंड होता है बिताना माई फ्री टाइम इन प्लेइंग फुटबॉल। मैं ज़्यादातर अपना टाइम, फ्री टाइम फुटबॉल खेलने में बिताता हूँ। आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड टू प्ले फुटबॉल फ्रॉम माई चाइल्डहुड। चाइल्डहुड होता है बचपन, मुझे बचपन से ही बहुत शौक था खेलने का। हाउएवर फिर भी आई स्टार्टेड लर्निंग टू प्ले वेल व्हेन आई वॉज 5 years old। लेकिन फिर भी मैंने अच्छी तरह से खेलना कब शुरू किया, जब मैं 5 साल का था। माई फादर आस्क्ड माई क्लास टीचर इन द PTM, जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी PTM पे, मेरे फादर ने मेरी क्लास टीचर से पूछा अबाउट माई हॉबी ऑफ फुटबॉल, मेरे खेलने के शौक के बारे में। देन माई टीचर टोल्ड हिम दैट, तब मेरे टीचर ने उन्हें बताया, देयर वॉज अ फैसिलिटी ऑफ प्लेइंग स्पोर्ट्स डेली इन द स्कूल, हमारे स्कूल में डेली फुटबॉल खेलने की फैसिलिटी है, सुविधा है, कब, फ्रॉम 2 PM टू 3 PM, एंड दैट फादर कुड एडमिट मी, तब मेरी फादर ने ये बात स्वीकार की। नाउ आई रियली एन्जॉय प्लेइंग फुटबॉल, अब मैं रियल में फुटबॉल खेलने में बहुत एन्जॉय करता हूँ। एंड आई ऑल्सो पार्टिसिपेट हिस्सा लेना इन द इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स, और मैं स्कूल की इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स जो प्रतियोगिताएँ होती हैं उनमें भी हिस्सा लेता हूँ। तो बेटा आज के लिए 2 topics, स्टोरी राइटिंग एंड पैराग्राफ राइटिंग। आई होप आप सभी को ये समझ में आए होंगे, आप इन दोनों टॉपिक्स को राइट डाउन भी करोगे और साथ साथ आप इसकी लर्निंग भी करोगे।